पॉइंट इन टाइम, इनफैक्ट काफ़ी अरसे तक मुझे लगता है, क्योंकि आप दोनों ने ऑल्दो कुछ ईयर्स के डिफरेंस के साथ करियर स्टार्ट किया, बट आप लोग कहीं ना कहीं तो एक ही तरह के, एक ही रोल के लिए पिच कर रहे होंगे, राइट? दोनों बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिस पे मे बी कंसिडर किया जा रहा हो, या आप लोगों के जहन में भी आ रहा हो कि हाँ यार ये मुझे रोल मिल जाए या नहीं। चुपचाप ले लेगा जाके ये मुझे देना, उस तक पहुंचाना नहीं। अगर मैं साला कर लेगा इसका क्लियर कर देता हूं, अगर मैं क्लियर कर देता हूं, ये तीन प्रोडक्शन ऐसे ही मजाक कर रहा हूं, हमारा ऐसा कभी मौका नहीं आया। सवाल हो गया, अब तो जवाब मुझे, सॉरी मैं आगे दूसरा था, अच्छा दूसरा था, सवाल हो गया। ये हो गई नेक्स्ट लेवल, ये हो गई सिक्स सिग्मा, ये हो गई एक्स वाई जेड। यहाँ तो मिल जाएगा मुझे, मेरी मर्जी का रोल मिलेगा, यहाँ वही मिलेगा जो मुझे मिलेगा। पर मैं तो उसकी वक्त की बात करी थी इससे भी पहले, जब ऐसा हुआ नहीं। जैसे मेहंदी में अच्छा कंपटीशन था तब, तो एग्जैक्टली मैं ये पूछ रहा हूं, मुझे याद है कंपटीशन इसी किस्म का, देखें हर और क्यों नहीं होना चाहिए इतना, तो हम तीनों थे एक ही सीरियल। मैं सवाल कंप्लीट कर लूं फिर आप लोग उसके मुताबिक जवाब देने के लिए ज्यादा होता है। नहीं ला के आप लोग मैं देवू से सुनूं तो सवाल, अच्छा सवाल ये था कि हाउ हैव यू गाइस मैनेज्ड किस इनसिक्योरिटी को अपनी दोस्ती पे ना हावी देने दें। और अभी आई एम ग्लैड यू एडमिटेड कि हाँ कंपटीशन था, बिकॉज मुझे ना वो वाला नहीं सुनना था जवाब कि वो अल्लाह ने जो आपकी किस्मत में लिखा है वो है, लेकिन आप इनसिक्योरिटीज को डिनाई नहीं कर सकते। सो फॉर ऑल दोस पीपल हु आर लिसनिंग टू अस टुडे, आई वुड लाइक टू नो कि हाउ डू यू हैंडल दिस। इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह ने जो आपकी किस्मत में लिखा है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप लोग इतनी एक्साइटेडली जवाब दे रहे थे, आप अपने से बता रहे थे। हां जी मैं इसका पहले जवाब देता हूं, आप इनसे ले लो, मैं भी देता हूं। कॉम्पिटिशन हमेशा रहा है, ठीक है, और होना चाहिए, मगर मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कॉम्पिटिशन हमारा रहा है उसमें कभी बिटरनेस नहीं आई। नहीं आई कैसे? हाउ डिड यू नॉट रियलाइज दैट काउंट? उसकी वजह ये थी कि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं। कैसा नहीं सोचा? कि इजाज़ लड़ता था कभी मुझे मिल रहा था ये वाला काम, अदनान ने पता नहीं उन्होंने क्या बोला था उसको, कह रही तुम क्या बोलते थे लोगों को कि आपको मिल जाना था। अच्छा मैंने इसको भी फोन किया एक दिन, तो मैंने इसको बोला था कि क्या किया तुम, अबे नहीं मुझे भी अलग से फोन आ रहा था, मैंने थोड़ी कि इसको इसको निकल ये हो जाता है ऐसा, लेकिन इनका बहुत प्यार में होता था कि ना नाराजगी भी ऐसी होती थी कि वो भी मुझे बता रहा है या कुछ इस तरह की चीज़ हुई, लेकिन कभी इन लोगों में ना कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई बीच में बड़ा ही फड्डा हो गया हो। इन लोगों में क्या, अपना भी डालू ना इन लोगों में, इन लोगों में तुम दोनों की बात कर रहा था ना, बिला हो जा भाई। मैं आपको बताऊं काम माशाल्लाह इतना था कि कोई इनसिक्योरिटी की बात ही नहीं थी। ये अब आपने डिप्लोमेटिक नहीं नहीं मैं सही बता नहीं सही बात कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं होता था हां वहां से। मैं आपको देखें बड़ी सिंपल बात बताऊं, अब मेहंदी मैं आपको बताना जो चाह रहा था, मेहंदी में तीन कैरेक्टर्स थे, ठीक है ठीक है, सबका अपना अपना रोल था, इजाज़ का भी था, अदनान का भी था, मेरा भी था, असल भी था उसमें। तो अच्छा मुझे क्या कंसर्न था जो उस वक्त, तो मैं बोला मैं मेरा रोल में कुछ होना चाहिए। खैर उन्होंने मुझे बोला कि भाई हालांकि फर्स्ट 5 एपिसोड में मेरा कोई उसमें रोल नहीं था, लेकिन उसने बोला ये जो बंदा मरेगा ना ये वो वाला रोल है जिसपे बड़ा सिंपथी आएगी और फलाना होगा। तो मैंने कहा ओके ठीक है, मैंने कहा अभी रोल मैंने जावेद साहब को बोला, मैंने कहा जाना नहीं चाहिए आप, ये वादा है कि यही मेरा है मैं और वरना नहीं करूँगा। ओके चक्कर क्या था कि शहजाद अपना सजाद गुल साहब की सीरियल थी और उनको हम ना नहीं करते थे, तो रो उस वक्त एक इस तरह के वो प्रोड्यूसर थे कि, तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि मुझे करना पड़ जाए कोई और कैरेक्टर अगर किसी और को, ये बिल्कुल तो इस तरह की चीज़ें होती थी कि आप कोशिश ये करते थे कि अगर चार एक्टर्स हैं उसके अंदर तो भाई मेरा रोल अच्छा हो, तो ये कौन नहीं चाहता, वो ये भी चाहता है और वो सब चाहते हैं। दूसरा ये अपनी बात इसलिए कर रहा था कि मैं खुद प्रोड्यूसर रहा हूँ और अपने लिए प्रोजेक्ट्स जो हैं ज़्यादातर प्रोडक्शन के अंदर मैं गुजरा, अभी 4 साल बात करता हूँ तो मुझे तो नहीं पता कि कितने रोल मैंने मिस कर दिए होंगे, तो मैं तो नहीं करता। तो आप में से जब आप खुद प्रोड्यूसर हो जाएं और आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी बढ़ जाए तो आप फिर अपने आप को कम कर देते हैं, या आप बोलते हैं यार मैं अभी प्रोडक्शन में लगा हुआ हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप इस तरह के ठीक है मुझे ऑफर बहुत हो रहे हैं मैं कर नहीं सकता, तो मेरे में ये चीज़ आई नहीं, या थी भी तो वो कम होती गई और बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो अब मैं करना ज़रूर चाहता हूँ कि मैं जब 3 साल बाद करूँ लेकिन एक करूँ तो अच्छा करूँ, बस इतना ही है। तो मैं इनसिक्योरिटी मेरा
वो अगर होती भी तो वो जाती गई और खत्म हो गई। और जहाँ तक इन लोगों का था इन लोगों का इन लोगों मतलब मेरे भाइयों का आपको मैं और क्या बोलूं, मैं एक बात बताता हूँ, आई बीन रियली वेरी लकी इन गेटिंग वर्क। हाँ मैं सीरियसली बताऊँ, मैंने अल्लाह गवाह, आई एम बीइंग ऑनेस्ट आई रियली वर्क हार्ड फॉर माई परफॉर्मेंसेस, मगर मैं आपको ये बता दूँ कि मैं इतना इसमें आप समझ लें मासूम था कि मुझे नहीं पता था कि कैरेक्टर लिखवाया करते हैं लोग, कि एक एक्टर अपने लिए राइटर से कैरेक्टर लिखवाता है। मुझे जो मुझे समझ आता था कि ये अच्छा है मैं वो कर लेता था, और अल्हम्दुलिल्लाह इट हैड ऑलवेज, मुझे हमेशा मेरे लिए मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे लिए काम कर गया है, चाहे वो मैंने कोई भी रोल किया हो। मैंने आई बेशुमार हीरो के रोल्स किए हैं और अभी भी इस उम्र में भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा, जो अगर मेरी उम्र के रोल्स मिलते रहेंगे तो मैं करता रहूँगा। अब मेरा जो एक नया मैंने अपने अंदर एक चीज़ डिस्कवर की, आई वॉन्ट टू डू डिफरेंट कैरेक्टर्स, मुझे वो उसमें बड़ा मज़ा आ रहा है करने में कि यार मुझे ये भी ट्राई करना है, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट रोल मिले तो वो। अब मैं कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं पकड़ना चाहता जिसके अंदर सीधा साधा सा रोल, मतलब आप मेरी इनोसेंस का अंदाज़ा ये लगे ले लें कि मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई और ये फ़ोन आ गया है जिसको मैं ढूंढ रहा था। हमने कट लिया, अब हम दोबारा स्टार्ट करें। एज एक्टर्स हाउ डू यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच अदर, जब आप दोनों परफॉर्म कर रहे होते हैं क्या चीज़ है कि एक साथ परफॉर्म करने से आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूँ बिकॉज मेरे सामने अदनान है या मेरे सामने हुमायूं हैं, क्या एक दो चीज़ें हैं दूसरे की? असल में मैंने नोट ये किया है कि जब जो आप वैसे कंफर्टेबल हो ना, इससे तो दो चीज़ें होती हैं, वो कंफर्ट लेवल ना वो नज़र आता है स्क्रीन पे भी। अच्छा जब भी मेरा इसका सीन हुआ है या कुछ हुआ है तो वो सबसे पहले खलील साहब होते हैं, हुमायूं देख तेरे जो बेस्ट सीन होते हैं ना वो इसके साथ होते हैं, और तू तो मेरे का मैं कब मना कब करूँ, बोलते ऐसे हैं ना जैसे मैं जैसे मना करता हूँ उनको कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए तो वो ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा खरीसा मुझे पता है, और हम बड़ा मज़े हम जब सीन कर रहे होते हैं तो हमें मज़ा भी आता है। और लकीली हमारे ये जो लास्ट दो जो भी जेंटलमैन और मेरे पास तुम हो, वो दोनों में कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, इनका भी अच्छा था मेरा भी अच्छा था, और साथ वो ये नेगेटिव साइड पर थे पॉजिटिव था, बट वो एक जो डायनामिक्स जो है जो केमिस्ट्री है वो नज़र आती है उसके अंदर। तो अब यही बात है कि शुक्र है कि वो एक तो ये कि वो कैरेक्टर्स मिले हमें और वो स्क्रिप्ट अच्छी थी और हमने हमें साथ काम करने का मौका भी मिला, या समझने के मैंने इसको उसमें कास्ट किया उस ड्रामे में। हाँ बिल्कुल, और क्या इसने किया, क्योंकि मैंने फ़ोन किया तो कहते हैं जब मैंने मेरे पास मुझे कॉल किया ना तो हाँ तो तुम हीरो कर रहे हो, मुझे विलन बना रहे। मैं हमेशा कहता हूँ दोबारा ये क्या हमें कमाल तो जब है ना कि यार अपनी प्रोडक्शन में तुम आओ भाई, मैं नहीं करना बात अपनी नहीं है, मैं तो किसी और का भी नहीं करूंगा, ठीक है ना? ये वाली बात क्यों नहीं करेंगे, अभी आप कह भी रहे थे, मैंने इसका काफी ये तो समझ में कब कम, टाइम ही नहीं है ना अभी, पहले मैं पॉजिटिव तो कर लूं, क्या मजा है, नेगेटिव बात नहीं करेंगे, सो वी विल नेवर सी यू अगेन, मैं करूंगा, मैंने किया तो है, मैंने पहली फिल्म अपनी नेगेटिव थी मेरी इंतहा, मैंने काफिर किया था नेगेटिव, तुम्हारी कहां थी वो जलगार में नेगेटिव था मेरी, मतलब तुम्हारी दुनिया थी फिल्म वो, अरे मेरा लेकिन मेरा ड्रामा अपना था काफिर, मैंने ही वो कैरेक्टर लिखवाया था साथ बैठ के खालिक के साथ, मुझे ये नहीं समझ आया आज तक कैसे लिखवाते हो खालिक का, मैं प्रोड्यूसर हूं ना, ये बड़ा इसमें मुझे आई लिखवाता हूं।